की नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। माँ भगवती देवी महामाया जो प्रथम रूप में आई थी वो आद्या का रूप था, भगवती आद्या, जिनका एकमात्र मंदिर दक्षिणेश्वर काली में स्थित है, और उन्हीं का स्वरूप फिर दुर्गा हुई, दुर्गा से नव दुर्गा हुई, नव दुर्गा के बाद दस महाविद्या हुई, दस महाविद्या में भी काली आती है, आद्या स्वरूप भी काली का ही है। तो काली का घर में जब पूजा होता है तो उसका कुछ विधि विधान है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि काली की का जब भी पूजा होगा घर में तो वो बहुत ही सात्विक रूप में होगा, माँ भगवती को सात्विक रूप में आप स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक मंत्र दूंगा जिससे आप रोज माँ भगवती की पूजा करेंगे और आपका जो भी कष्ट है, जब कष्ट हम बोलते हैं तो ये एक कॉमन नाउन हो जाता है, और चाहे वो आर्थिक हो, वो पारिवारिक हो या सामाजिक हो, कैसा भी आपका कष्ट हो वो कष्ट को हर लेती है भगवती। भगवती में बहुत दया भाव है, भगवती एक छोटी 5-7 साल की बच्ची की तरह इनका बिहेव है, कृपा दृष्टि है, तो भगवती को मनाना बड़ा आसान होता है। भगवती को मनाने के लिए एक तो सबसे पहले एक स्थान तय करें जहाँ पे आप भगवती की पूजा करेंगे, ठीक है। उस स्थान पर काली यंत्र एक भोजपत्र पे बना करके रख लें, काली यंत्र बना कर उसको फ्रेम करा के भी रख सकते हैं, और उसके ठीक सामने एक पतीले में छोटा सा एक चाहे तो प्लेट ले लेंगे पीतल का, उसमें चावल भर लेंगे और उसमें उर्दमुखी एक कुमकुम या सिंदूर से, सिंदूर ज़्यादा अच्छा रहता है, सिंदूर से एक त्रिशूल बना लेंगे, भगवती की स्थापना हम वहीं करेंगे। उसके बगल में एक दीपक जलाएंगे, वो चाहे तो आप तिल का रख सकते हैं, पीले सरसों का रख सकते हैं, घी का रख सकते हैं या चमेली का तेल रख सकते हैं, ये चारों में जो आप जीवन भर कंटिन्यू कर सकते हैं वैसा एक दीपक तैयार करेंगे जिसमें हम भैरव जी की स्थापना करेंगे। भैरव जी की स्थापना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना भैरव के पूजा के भगवती भोग नहीं लेती है, ठीक है। तो बगल में भैरव जी को स्थापित करेंगे। रोज भगवती को 5 चीज़ों से पूजा करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, फूल है, पुष्प है, ठीक है, दीपक है, धूप है, नवेद है, अष्टगंध है, ठीक है। एक चीज़ और होता है भगवती की पूजा में और वो होता है अर्घी देना, मतलब अर्ग आता है, कूसा कूसी आता है, उसमें भगवती को अर्घ, जल, जल में एक पुष्प, थोड़ा अक्षत का दाना और चंदन जो होता है वो मिला करके भगवती को अर्पण किया जाता है, ये भगवती को बहुत प्रिय होता है। तो ये 5 चीज़ें हम देंगे। शुरुआत की साधना में जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसको, जैसे अभी भैरव अष्टमी आ रहा है, उस रात आप संकल्प लेकर के 9 दिन तक इसका 10 माला जाप करेंगे, 10 माला रोज रात में जाप करेंगे, और उसके बाद 10 जो 9वां दिन है उस दिन आप दशांश हवन कर देंगे। दशांश नहीं संभव है तो 1 माला कम से कम आप हवन करिएगा, और हवन होगा तिल से, गूगल से और लौंग से। ये 9 दिन करने के बाद आप रोज सुबह में भगवती को की पूजा करके 1 माला जाप करिएगा, तो आपका मतलब आप देखिएगा, देखिए एनर्जी को ट्रांसेंड करने में और फिर से नए एनर्जी को प्रभाव में आने में 45 दिन का समय लगता है। तो मान के चलिए कि 3 महीने के बाद जो आपके जीवन में स्थायी कष्ट है वो सब खत्म होने लगेंगे। लेकिन जब भी भगवती को बुलाए, जैसे मैंने दीपक का मंत्र पहले ही दे रखा है, तो वो मंत्र पढ़ के दीपक जलाए, जो बेसिक पहले बता दिया उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो करेंगे आप, और उसके बाद रोज निष्ठा के साथ भगवती की पूजा करेंगे कि भगवती मुझे मेरे कष्टों से निवारण करो। मंत्र सुनिए, गोरक्षनाथ जी का मंत्र है, ओम सतनाम गुरु का आदेश, काली काली महाकाली, युग्य आद काली, छाया काली, छू मांस काली, चलाए चले बुलाए आए इति विनियास, गुरु गोरक्षनाथ के मन भावे, काली सुमेरु काली जपू, काली डिग्राऊ को मैं खाऊं, जो माता काली कृपा करे, मेरा सब कष्ट का भंजन करे। फिर से एक बार सुनिए, ओम सतनाम गुरु का आदेश, काली काली महाकाली, युग्य आद काली, छाया काली, छू मांस काली, चलाए चले बुलाए आए इति विनियास, गुरु गोरखनाथ के मन भावे,
काली सुमेरु काली जपू काली डिगराऊ को मैं खाऊं, जो माता काली कृपा करे मेरा सब कष्टों का भंजन करे। इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, 9वें दिन इसका दशांश हवन करेंगे, फिर जनरल वे में रोज सुबह पूजा करके इस मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे 45 दिन में आपको आपका जो भी है कष्ट का सॉल्यूशन दिखने लगेगा। 3 महीने के बाद आपकी लाइफ पटरी पे आ जाएगी। इस साधना को आप सब करें, आप सभी को इससे लाभ होगा। काली भगवती के बारे में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम भगवती की पूजा करते हैं तो छोटी कुंवारी कन्याओं को भोज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि माँ भगवती का स्वरूप, माँ भगवती का मूड, माँ भगवती का स्वभाव सब एक छोटी बच्ची की तरह है। तो जब आप भगवती की पूजा करते हैं ना, तो जितने अच्छे तरीके से आप करिए, जैसे मैंने आप लोगों को 5 चीज़ें बताई कि आप ये इन 5 चीज़ों से पूजा करोगे, लेकिन आप छठा चीज़ अगर दोगे, जैसे भगवती को गुलाब का फूल, भगवती को कमल का फूल, हाँ, भगवती को अलग अलग तरह का मिष्ठान देना, भगवती को वस्त्र देना, हाँ, तो जितना भाव से, जैसे एक छोटे बच्चे को तुम रखते हो, दुलार करते हो, जितना भाव से माँ को रखोगे ना, उतना जल्दी ही माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों का कष्टों का नाश करती है। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना का मंत्र सीखना है, जैसे दिशा बंधन, देह बंधन, भैरव, इन सब जो बेसिक साधना है इसको सीखने के लिए आप मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है, एक ऐप है US, कनाडा और इंडिया में अवेलेबल है, कॉल मी फॉर ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इंस्टॉल करके इसमें रुद्रनाथ SCM4 आप सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप इस पर कॉल करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप www.aghortantrahasya.xyz पर लॉग इन करिए और उस पर एक अपॉइंटमेंट सेक्शन है, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप लोगों पर कृपा बरसाए रखें, सभी कष्टों को, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।